लगभग एक से डेढ़ महीने पहले जब एक प्राइवेट चैनल ने एक पर्दाफाश किया था हुर्रियत का कि किस तरह से टेरर फंडिंग होती है, और उसके बाद से ही एनआईए और हिंदुस्तान सरकार ने इसी तरह से छापेमारी स्टार्ट की जितने भी सेपरेटिस्ट हैं उनके घरों से, और काफ़ी सारे सेपरेटिस्ट को यहाँ से जो है कस्टडी में भी रखा गया है। इस टाइम जम्मू में भी एनआईए की तरफ से रेड चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बरनाई का ये इलाका है जहाँ पर सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही जो है एनआईए की तरफ से रेड शुरुआत हो गई थी रेड की। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये चौधरी रजाक हैं, काफ़ी बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ के रहने वाले बरनाई के, वहाँ पे जो इस टाइम जो है रेड चल रही है एनआईए की। और ये भी बताया जा रहा है कि शबीर शाह के काफ़ी क्लोज जो है चौधरी रजाक साहब बताए जाते हैं जिस दिन के घर पे जो है रेड पड़ रही है इस टाइम एनआईए की। मैं आपको बताना चाहूँगा एनआईए की रेड आज सुबह से ही कश्मीर और कल भी कश्मीर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसी तरह की जो है रेड जो है पड़ती रही। ये इस टाइम जो आप देख सकते हैं ये चौधरी रजाक का घर है जहाँ पर इस टाइम एनआईए की तरफ से जो है रेड लगातार जो है पड़ रही है। और अभी एनआईए के लोग जो है अंदर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से जम्मू में एक अग्रवाल फैमिली के घर पे भी कुछ दिन पहले एनआईए की रेड पड़ी थी जो कि वेयर हाउस के एक बिजनेसमैन हैं, और अब ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर जो कि चौधरी रजाक जिनका घर बताया जा रहा है उनके घर में भी जो है इसी तरह से रेड पड़ रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एनआईए ने लगातार जो है छापेमारी करे रहे हैं उन लोगों के घरों में जहाँ से जो है जो भी टूल्स मिल रहे हैं ताकि उनके कहीं ना कहीं लिंक हो सकते हैं टेरर फंडिंग को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ देर पहले जिस तरह से कुछ टीवी चैनल्स ने टेरर फंडिंग को लेकर जो है कुछ पर्दाफाश किया था, और उसके बाद जो है स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो है एनआईए जो है गवर्नमेंट ने इस तरह से जो है छापेमारी स्टार्ट की, उसके बाद से लगातार जो है जो इस टाइम जो है आज भी एनआईए की रेड जो है जम्मू में भी चल रही है बरनाई का जो है इलाका है जहाँ पे चौधरी रजाक जो कि प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं उनके घर में लगातार जो है एनआईए के लोग हैं जो इस टाइम जो है रेड कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कश्मीर में भी आज सुबह से जो है रेड चल रही है, काफ़ी जगहों पर जो है कश्मीर में भी एनआईए की रेड चल रही है, और कल भी जो है कश्मीर में जो है इसी तरह से एनआईए ने रेड की थी, और आज जम्मू में जो है इसकी जो है रेड चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा चौधरी रजाक हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं बरनाई के, काफ़ी ही यहाँ के पॉपुलर जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनका जो है काफ़ी सारे और भी बिजनेस हैं जिनका जो है अब ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी जो है क्लोज माने जाते हैं शबीर शाह के, जिनके घर में जो है एनआईए इस टाइम जो है लगातार रेड कर रही है। और इस टाइम एनआईए के लोग जो है लगातार शबीर शाह के इनके चौधरी रजाक के घर में जो है इसी तरह से रेड कर रहे हैं, और काफ़ी देर हो गई है उनको भी अंदर गए हुए, कुछ दस्तावेज भी इकट्ठे कर रहे होंगे, और साथ में ये भी पता कि उनसे पूछताछ चल रही होगी कि भाई किस तरह से उनके जो लिंक्स हैं शबीर शाह के साथ हैं और किस तरह से जो उनके लिंक्स जो हैं टेरर फंडिंग के साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी देर से जो है एनआईए इसी तरह से दिल्ली में भी और जम्मू में भी और कश्मीर में भी इसकी जो है रेड्स लगातार चल रही हैं, जिसमें जिन लोगों पर जो इस तरह के अंदेशे हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी लोग जो हैं इस टेरर फंडिंग के साथ जो है जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जो है बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी। और ये आप देख सकते हैं ये चौधरी रजाक का घर है जहाँ पे लगातार जो है रेड इस टाइम चल रही है एनआईए की तरफ से, जो है रेड इस टाइम यहाँ पे चौधरी रजाक के घर पे चल रही है जो कि प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये काफ़ी क्लोज जो है बताए जा रहे हैं शबीर शाह के काफ़ी क्लोज रह चुके हैं, जिस कारण जो है एनआईए की तरफ से जो है इनकी तरफ रेड चल रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये चौधरी रजाक साहब हैं इनका जो है ये भी बताया जा रहा है, जब यहाँ के लोगों से पूछा तो इनके जो है काफ़ी लिंक्स जो है बताए जा रहे हैं शबीर शाह के साथ, जिसके बाद से जो है अब एनआईए की तरफ से यहाँ पर जो है लगातार रेड की जा रही है। और अभी एनआईए के जो लोग हैं अभी उनके घर में हैं और उनसे पूछताछ चल रही होगी कि किस तरह से उनके जो है लिंक्स हैं शबीर शाह के साथ और किस तरह से इस टेरर फंडिंग में जो है उनके लिंक्स हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक निजी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसके साथ ये पता चला कि काफ़ी सारे हुर्रियत के लीडर्स हैं जिनका जो है लिंक्स एनआईए है, जिसके जिनका जो है लिंक्स है जो कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है, जिनकी वजह से जो है कश्मीर में हालात ख़राब किए जाते हैं और जितना भी स्टोन पेल्टिंग होती है वो सब के सब उसके बारे में उन्होंने जो है एक निजी चैनल ने पर्दाफाश किया, जिसके बाद हिंदुस्तान सरकार और एनआईए हरकत में आई और उसके बाद उन्होंने जो है लगातार इस तरह से जो है रेड्स चल रही हैं। अगर बात करें कुछ दिन पहले जम्मू के अग्रवाल फैमिली है जो कि वेयर हाउस के काफ़ी पुराने जो है बिजनेसमैन हैं उनकी घर पे भी रेड हुई थी जो कि गांधीनगर के रहने वाले हैं, और उसके बाद आज जो है चौधरी रजाक के घर पर जो है इस टाइम रेड चल रही है बरनाई के रहने वाले हैं और प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि शबीर शाह के काफ़ी जो है क्लोज बताए जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से उनके घर में जो है
लगातार एनआईए के लोग जो है रेड कर रहे हैं, एनआईए के लोग जो इस टाइम जो है उनके घर में लगातार इसी तरह से जो है रेड करके रखे हुए हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस टाइम ये उनके घर है, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को जो है अंदर जो है एनआईए की जो है कम से कम 3 गाड़ियों भर के जो है लोग गए हुए हैं, जो कि लगातार वहाँ पर जो है रेड कर रहे हैं और उनसे पता कर रहे हैं कि किस तरह से उनके लिंक्स थे शबीर शाह के साथ और किस तरह से जो है उनका टेरर फंडिंग के साथ जो है लिंक्स बनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल एनआईए की तरफ से इस तरह की जो है नकेल कसी गई है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने एक नकेल कसी है, जिसके अंदर कश्मीर में जो भी लोग इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं टेरर फंडिंग के साथ, उनको जो है उनके ऊपर जो है नकेल कसी जाएगी और अगर कोई लोग इसमें मुलव्वस नजर आते हैं तो उनके ऊपर जो है काफ़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल आज जो है जम्मू के बरनाई इलाके में एक रेड चल रही है, जो कि चौधरी रजाक के घर पे, जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कि क्लोज काफ़ी बताए जा रहे हैं शबीर शाह के, उनके घर के बाहर इस टाइम हम लोग हैं और अभी उनके घर में फिलहाल तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन एनआईए के लोग लगातार वहाँ पे उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी फैमिली से उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ दस्तावेज भी इकट्ठे, हमारे सूत्रों ने बताया कि कुछ दस्तावेज भी वहाँ से लिए जा रहे हैं, जिससे कि ये पता चलेगा कि उनके लिंक्स किस तरह से शबीर शाह और किस तरह से उनके लिंक्स जो थे टेरर फंडिंग में थे। तो फिलहाल एनआईए की तरफ से नकेल कसी गई है और इसी तरह से लगातार कश्मीर में भी आज रेड्स हो रही हैं और जम्मू में भी इस तरह की आज पहली रेड है। आशीष कोहली, क्या नाम है, संदीप सिंह के साथ यू फॉर यू वॉइस के लिए।